हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैक्स। हम लोग आज करने जा रहे हैं CHSL 2020 का सेट नंबर 6। 5 सेट्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और ये आज 6th सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका सेट। हाँ, PDF डाउनलोड करके या उस पर ही, मतलब सॉफ्ट कॉपी में ही आप लोगों ने क्वेश्चन ये ज़रूर सॉल्व कर लिया होगा, ऐसा मुझे यकीन है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि डिस्कशन करने के पहले, डिस्कशन देखने के पहले आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व किए रहिएगा। चाहे आपके पास प्रीवियस पेपर हो उसे कर लीजिएगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि हम कौन सा प्रीवियस पेपर दिए हैं? तो आप एक बार उस पर क्या कहते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ही देख लिया करिए, लिंक दिया हुआ है। तो मैं बार बार गुजारिश करता हूँ कि आप प्रीवियस पेपर के इस PDF को ज़रूर सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद ही इसको देखिएगा, भले एक दिन बाद देखिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ये देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, लिखा है कि वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, ऐसा व्यक्ति जो ये दिखाता है जो वो है नहीं, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, आपको याद आया कुछ? ये ट्रेट्स या पर्सनालिटी से रिलेटेड है, और पर्सनालिटी का एक वॉल्यूम हम आपको दे चुके हैं, ठीक है। और दूसरा वॉल्यूम रेडी है, बस जल्दी ही कल वल तक मिल जाएगा आप लोगों को दूसरा वॉल्यूम भी। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब दूसरे वॉल्यूम में हैं, ठीक है। तो अब इत्तफाक की बात है कि आपका ये पेपर पहले आ गया, वो वॉल्यूम बाद में आ रहा है। आज ये देख लीजिए, कल ये सारे के सारे वर्ड आपको पर्सनालिटी के डिस्कशन में मिल जाएंगे जो वॉल्यूम 2 होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं कि वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, कोई ऐसा व्यक्ति जो वो दिखाता है जो वो है नहीं, मतलब है कुछ और दिखाता कुछ है। जैसे कोई चोर हो और साधु के वेश में रहे, या कोई साधु हो, मतलब साधु तो चोर के बेस में रहेगा नहीं, क्या ज़रूरत है उसको, ठीक है। आप पता लगा कि अकड़ू हैं, दिखाते हैं बड़ा सरल हैं, तो ऐसे होता है। चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं। एक है स्टोइक, स्टोइक का मतलब क्या होता है, बहुत ही सहनशील होता है। मान लीजिए इनको ये भगवान राम हैं, ठीक है। मतलब एक दिन पहले जब उनको राजतिलक होने जा रहा था, राजा बनने जा रहे थे, तब भी वैसे ही उतने ही खुश थे, और अगले दिन जब उनको वनवास मिलता है तब भी उतने खुश हैं। सुख और दुख का इन लोगों पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सुख और दुख में एक जैसे रहते हैं, संभाव रखते हैं सुख दुख से, ऐसे लोगों को स्टोइक कहा जाता है। ऑप्टिमिस्टिक, ये तो शायद मेरे डिस्कशन में पिछली बार आ चुका है, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक दोनों अर्थ थे, या पिछले वाले ही पर्सनालिटी ट्रेट में ये आया था। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आशावादी, जो एक गिलास में आधा पानी भरा हो तो कहता है आधा भरा है, वो ये नहीं कहता कि आधा खाली है, वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है नहीं। फैनेटिक मतलब क्या होता है, कट्टर होता है, किसी चीज़ की भावनाओं को लेकर के उसके अंदर क्या होता है, कट्टरता होती है, ठीक है, वो बदलने के लिए बिल्कुल चेंज नहीं होता। हाइपोक्राइट किसको कहते हैं, हाइपोक्राइट कहते हैं ढोंगी को, क्या होता है वो, ढोंगी होता है, पाखंडी होता है, एक और वर्ड होता है ढोंगी के लिए, इम्पोस्टर, ठीक है, इम्पोस्टर। अगर पिछले वाले वीडियो में नहीं था ये पर्सनालिटी के, तो इस बार वाले में पक्का आएगा, ठीक है। चलिए तो ये चार ऑप्शन हो गए आप लोगों के, इन चारों में से ऑप्शन कौन है, इसमें ऑप्शन आपका होगा हाइपोक्राइट। क्यों, क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन कह रहा है कि वो आदमी जो दिखाता है वो है नहीं, और जो वो है वो दिखाता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ढोंगी है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका, ढोंगी होगा। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करें। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट, अब क्या क्वेश्चन क्या पढ़ें, यहाँ देखिए खाली जगह दिखाई दे रही है हमको, जाहिर सी बात है यहाँ कुछ भरना है, भरना है, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा क्या भरना है। लिखा है डिस्पाइट देयर डैश, अब यहाँ पे कामा लगा हो एक बात का यह भी ध्यान रखना, यहाँ पर लगा है कामा, ठीक है। डिस्पाइट देयर डैश, उनकी डैश चीज के बावजूद, इम्पर्सनल रूल्स दैट अप्लाई टू ऑल आर एसेंशियल इन लार्ज सिस्टम, किसकी, इम्पर्सनल रूल्स की बहुत ज़रूरत है, लिखा है ना, आर एसेंशियल इन लार्ज सिस्टम्स, बड़े सिस्टम्स में इम्पर्सनल रूल्स की बड़ी ज़रूरत होती है। तो बाद में क्या बात की है, बाद में इन्होंने पॉजिटिव बात की है, बाद में इन्होंने इम्पर्सनल रूल्स के लिए अच्छी बात की है, तो अब अच्छी बात की है, और यहाँ डिस्पाइट लगा है, और डिस्पाइट किसके लिए लगता है, विरोध के लिए लगता है, तो अगर बाद में अच्छी बात है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होनी चाहिए, खराब बात।
डिस्पाइट हो, इंस्पाइट ऑफ हो, बट हो, येट हो, आल्दो हो, दो हो, इवेन उफ हो, इवेन दो हो, ये सब क्या है? ये कंट्रास्ट शो करते हैं। अगर बाद में अच्छी बात है तो पहले क्या होगी? खराब। पहले अच्छी बात होगी तो बाद में खराब। तो कुछ निगेटिव वर्ड यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा। तो डिस्पाइट देयर डैश, लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस एक निगेटिव वर्ड है। सपोर्ट क्या है? ये पॉजिटिव वर्ड है। बेनिफिट्स क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। इन एडवांटेजेस क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। तो दोनों तरफ पॉजिटिव नहीं रहेगा। अगर आप डिस्पाइट लगाए हैं तो दोनों सेंटेंस में पॉजिटिव बातें नहीं होंगी, एक तरफ निगेटिव बात होगी। इसका मतलब हुआ कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। अपनी लिमिटेशंस, अपनी सीमाओं के बावजूद इम्पर्सनल रूल्स जरूरी हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? अंडरलाइंड पार्ट है, उसमें एक इडियम है, उस इडियम का मतलब बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द फ्रेंड्स क्वैरल्ड सम टाइम एगो, दोस्तों में कुछ समय पहले बात झगड़ा हुआ था। कुछ दोस्त हैं उनमें आपस में झगड़ा हुआ था कुछ समय पहले। ये देखिए बट लगा हुआ है, ठीक है, दिखाऊं मैं फिर से, ये बट लगा हुआ है। पहले झगड़ा हुआ था, बट लगा हुआ तो इसका मतलब अब दुश्मनी नहीं है। बट लगाने का मतलब पहले का अपोजिट, पहले निगेटिव था, अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बट नाउ दे आर ट्राइंग टू मेकअप विद ईच अदर। मेकअप विद ईच अदर का मतलब क्या होता है? मेकअप विद ईच अदर का मतलब होता है आपसी दूरियां ख़त्म करना, मनमुटाव को दूर करना, फिर से सुलह कर लेना, समझौता कर लेना, आपस के गतिरोधों को या आपस में जो डिफरेंसेज हैं उन सबको दूर करना। तो चलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन टू ब्लेम ईच अदर नहीं होगा, टू कम्पीट विद वन एंड कम्पीट नहीं करेंगे भाई, ये कम्पीट थोड़ा नहीं करेंगे, कंपटीशन नहीं करेंगे, क्योंकि सुलह समझौता होने जा रहा है। टू सेटल देयर डिफरेंसेज ये हो सकता है। पार्ट फॉर एवर हमेशा के लिए अलग हो जाना नहीं होगा, इसमें एक ही पॉजिटिव चीज़ आ रही है। ठीक है, एक पॉजिटिव चीज़ है वो सी में, चूँकि पहले निगेटिव हो चुका है, बट लगा है, तो बाद में पॉजिटिव आना चाहिए था। ठीक है ना, समझ गए कैसे मतलब निकालना है? तो इसका आंसर क्या हो गया? सी वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है। वैसे भी ये स्लैश दिखता है तो ग्रामेटिकल एरर की भी शंका होती है। कोई नो एरर का ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब हुआ कि इसमें नो एरर नहीं, एरर ही है। तो द पुलिस अरेस्टेड, अभी तक कोई गलती नहीं। टू यंग मैन, ये भी ठीक है, बट लगा। नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम के साथ हुआ, ये गलत हो गई। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी, ये बात हो गई। तो नाइदर ऑफ देम के साथ वर नहीं लगेगा। आपको पता है जब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था, आपके सामने, आपके पास वो वीडियो होगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक ही वीडियो में सारे के सारे रूल्स समझाए थे, उसमें ये बात मैंने बताई थी। जिन्होंने नहीं देखा है पीछे जाके देख लें। तो उसमें मैंने बताया था कि वन ऑफ लिखा होता है, एनी ऑफ लिखा होता है, नन ऑफ लिखा होता है, नाइदर ऑफ लिखा होता है, आइदर ऑफ लिखा होता है, ईच ऑफ लिखा होता है, तो उसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर लगाई जाती है। तो वाज की जगह क्या होगा? वर्ब की जगह क्या होगा? वाज होना चाहिए। तो आपकी गलती कहाँ होगा? ये देखिए, नाइदर ऑफ देम के साथ वर्ब गलत हुआ। आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म यहाँ देख लेते हैं। द वॉचमैन सेड, वॉचमैन सेड का वॉचमैन सेड ही रहेगा, इसकी जगह पर इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा। आई डिड नॉट सी एनीवन लास्ट नाइट, लास्ट को बदलना पड़ेगा, नहीं भी बदलेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आई डिड नॉट सी। अगर सेड भी पास्ट में है और यहाँ डिड नॉट लिखा है, तो सेड अगर सेड होने पर, यानी कि ये पास्ट में होने पर, रिपोर्टिंग पास्ट में होने पर, डिड नॉट की जगह क्या हो जाएगा? डिड नॉट की जगह हो जाएगा हैड नॉट, और सी का सीन हो जाएगा। ये बात हो गई। और आई बदलेगा, आई कौन है? आई है वॉचमैन, और वॉचमैन के लिए यहाँ क्या लगा देंगे? ही लगा देंगे। तो ही हैड नॉट सीन, हमें क्या चाहिए? दैट ही हैड नॉट सीन, कनेक्टर दैट होगा, आई की जगह ही होगा, और डिड नॉट की जगह हैड नॉट होगा। चलिए देखते हैं। सेड दैट ही हैड नॉट सीन, ये तो हो गया हमारा करेक्ट। ठीक है, आंसर तो मिल चुका है पक्का, लेकिन यहाँ देखते हैं और में गलती क्या है। सेड है और ये हैड नॉट भी लगा हुआ है, लेकिन आई बदलना चाहिए था, ये ही होना चाहिए था यहाँ पर, तब सही होता। अब इन सब में देखो, ये डिड नॉट का डिड नॉट ही रखा है, ये देखो डिड नॉट का डिड नॉट रखा है, ये दोनों तो अलग ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा, पहला वाला। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो गया? हेराल्ड, हेराल्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे हेराल्ड होता है ना, जो अनाउंसमेंट वगैरह करते हैं, कोई चेंज होने वाला है, कोई चीज़ आने वाली है, ठीक है, तो कोई उसकी पहले से सूचना दे देते हैं। तो हेराल्ड का मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ जो होने वाली है उसकी पहले से सूचना दे देना, अनाउंसमेंट कर देना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया? अनाउंसमेंट हो गया। ठीक है, बाकी सब मतलब जब समझ ही रहे हैं आप लोग। सप्रेस मतलब दबा देना, हाल्ट माने थोड़ी देर के लिए कहीं रुकना होगा, सक्सेस माने सफल होना।
तो ऑप्शन कौन सा हुआ इसका, ए वाला हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है कि साइनोनियम बताना है आपको। वहाँ भी साइनोनियम था, यहाँ भी साइनोनियम है। इसमें आ गया एडेप्ट, एडेप्ट वाला, फिर वही बात मैंने दूसरा वाला, आपको पर्सनालिटी ट्रेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। पर्सनालिटी ट्रेट का जो वॉल्यूम टू आने वाला है, वॉल्यूम टू जो हमें अभी बस कल वल तक आपको दे देंगे, उसमें ये सारे वर्ड्स हैं, ये वाला एडेप्ट से रिलेटेड जितने भी है। एडेप्ट के लिए हमने 5-6 उसके साइनोनियम रखे हैं, तो 5-6 साइनोनियम करीब हैं एडेप्ट के, उसी में मिलेगा आपको जो नेक्स्ट वॉल्यूम आपको पर्सनालिटी ट्रेट का मिलने वाला है उसमें। तो एडेप्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कुशल, योग्य किसी काम को करने में। जब कोई आदमी बहुत कुशल हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, तो क्या होगा इसका, एक्सपर्ट होगा, स्किल्ड होगा, प्रोफिशिएंट होगा, इफिशियंट होगा, ठीक है, गुडाइट होगा, डेक्स्ट्रस होगा, तो जो इस काम में माहिर हो जाता है, कुशल हो जाता है। तो लेजी तो होगा नहीं, क्लमजी हो नहीं, क्लमजी फूहड़ हो जाता है, लेजी आलसी हो जाता है, ये दोनों होंगे नहीं। स्किल्ड का मतलब क्या हुआ, ये भी होता है कुशल, तो आपका साइनोनियम क्या हो गया, स्किल्ड। रफ का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर एट है ये। क्वेश्चन नंबर एट में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड किस में है, टेम्पोरेरी में है। टेम्पोरेरी की एक्चुअली स्पेलिंग क्या होती है, TEMPO होता है, PORARY। तो ये जो P के बाद लगा है वो क्या होगा, O होना चाहिए, P के बाद A नहीं होना चाहिए, ये आपका गलत हुआ। अकस्टम्ड सही है, आदत के लिए लगता है, इंटरफियर भी सही है, फ्रेग्रेंस भी सही है। फ्रेग्रेंस मतलब क्या होता है, खुशबू, सुगंध है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन है। क्वेश्चन नंबर नाइन में कह रहे हैं कि फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका है, रिलेटेड टू सोल्जर या वार, युद्ध या सैनिक से रिलेटेड वर्ड आपको बताना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा वर्ड युद्ध या सैनिक से रिलेटेड है। ये पहला वाला मैराइटल है, मैराइटल MARI लिखा है, तो मैराइटल है, तो ये किससे रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, मैराइटल शादी से रिलेटेड है। दूसरा वाला जो वर्ड है ये मार्शल है, मार्शल का मतलब क्या होता है, मार्शल मतलब होता है सैनिक, ठीक है, तो योद्धा सैनिक, ये मार्शल ही आपका वर्ड है जो वार या फिर सोल्जर से रिलेटेड है। पॉलिटिकल आप जानते हैं, ऑफिशियल आप जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखो, जो चीज़ आसानी से हो जाती है उसमें बिना मतलब गन्ना पेरने से थोड़ा ना रस निकलेगा, गन्ने से रस निकलेगा, उसकी खोई से नहीं निकलेगा। जो आपको समझाना था वो मैं समझा चुका, उसके बाद उसमें अनर्गल प्रलाप करें तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे देखिए खाली जगह भरने को दिया हुआ है, क्या भरेंगे, क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। द ओल्ड बिल्डिंग वाज डैश बाय द अथॉरिटीज, मतलब यहाँ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ अथॉरिटीज है, बिल्डिंग को अथॉरिटीज ने क्या किया, या तो बिल्डिंग को अथॉरिटीज ने मरम्मत कराई होगी, या तो बिल्डिंग को ढहा दिया होगा, दो में से एक काम होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ मरम्मत कराने का वर्ड मिलता है या फिर ढहाने का वर्ड मिलता है। वाज लगा है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि यहाँ बाई के साथ अथॉरिटीज लिखा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो देखें सारे के वर्ड क्या लिखे हैं, पुल्ड वाले लगे हैं, इसका मतलब ढहाने का सेंस होगा, पुल्ड बनाने के सेंस में आता नहीं है। तो ढहाने के लिए इसमें से कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा पुल के साथ, पुल की फ्रेजल वर्ब इन्होंने पूछ ली है। तो पुल की फ्रेजल वर्ब में क्या होगा, देखिए हम कहाँ से शुरू करें, पहले शुरू करते हैं पुट ऑफ से, ठीक है ना। तो एक होता है पुल ऑफ, पुल के बाद ओ डबल एफ वाला ऑफ जो लगता है, तो पुल ऑफ का मतलब होता है, पूरा लिख नहीं पाऊँगा समझिएगा, मुश्किलों के बावजूद, कठिनाइयों के बाद बावजूद अपने काम को पूरा कर लेना, मुश्किलों के बावजूद अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेना। और दूसरा है पुल अप, तो पुल अप का मतलब क्या होता है कि किसी को किसी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना, किसी को रिस्पांसिबल ठहराना। एक और होता है इसका मतलब गाड़ी वगैरह जा रही है तो उसको रोक देना। पुल थ्रू एक वर्ड दिया हुआ है, पुल थ्रू का मतलब होता है वही मुश्किल परिस्थितियों को झेल लेना, ठीक है, ये होता है मुश्किल परिस्थितियों को झेल लेना। तो अभी तीनों तो मिला नहीं। और पुल डाउन का मतलब होता है ना ढहा देना, कोई पुरानी बिल्डिंग वगैरह है, इमारत वगैरह है, उसको ढहा देना, जैसे योगी जी के बुलडोजर आजकल ढहा रहे हैं, तो वही होता है ढहा देना। तो आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, पुरानी बिल्डिंग को अधिकारियों ने क्या किया, ढहा दिया, गिरा दिया, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एंटोनियम बताना है आपको किसका, रेस्ट्रिक्टिव का।
रेस्ट्रिक्ट से बना हुआ है। रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट मतलब नियंत्रण लगाना, तो रेस्ट्रिक्ट मैंने नियंत्रण लगाना, रेस्ट्रिक्शन नियंत्रण हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टिव मतलब क्या होगा? नियंत्रण लगाने वाला, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में अब क्या लगाएंगे हम? ब्रॉड का मतलब बहुत लंबा चौड़ा, ये तो होगा नहीं। थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है? कंजूस, पैसा बचा बचा के खर्च करने वाला। क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ? बंद हो गया। लिबरल का मतलब क्या हुआ? एकदम क्या कहते हैं, उदार। लिबरल का मतलब क्या हुआ? उदार हो गया। तो उदार का मतलब क्या होगा? जो नियम कम लगाता होगा, जो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा नहीं लगाता होगा, जो बहुत ज़्यादा कानून नहीं लगाता होगा, तो वो क्या हो गया? उदार, ये लिबरल हो गया। ठीक है ना? तो जो एंटोनियम होगा रेस्ट्रिक्टिव का, वो एंटोनियम हमेशा क्या हो जाए? हमेशा नहीं, उदार के सेंस में। एक और आ जाता है इसी का, उदार का, जनरल का एक और लिखें आपको, तो लीनियंट हो जाएगा। लीनियंट का मतलब क्या होगा? जो डिसिप्लिन में कई नियम कायदों में थोड़ा सा छूट दे देता है। जैसे मान लीजिए कि क्लास 9 बजे की है, आप 9:10 पे आ रहे हैं, तो कुछ टीचर हो जाते हैं, कहते हैं ना कि गेट आउट, 10 मिनट लेट से क्या होगा? गेट आउट। कुछ टीचर होते हैं कि आप 10 मिनट देर से आएंगे, कहेंगे आ जाओ भैया आ जाओ, 10 मिनट तो इसे भी छोटा है, चलो 40 मिनट ही पढ़ लो, 30 मिनट ही पढ़ लो। तो जो 10 मिनट लेट होने पर भी आने देते हैं वो लीनियंट होते हैं, और जो 2 मिनट की देर होने पर भी गेट आउट कर देते हैं वो क्या होते हैं? वो रेस्ट्रिक्टिव होते हैं। ठीक है, बात समझ गए? चलिए, तो आंसर की बात की थी कि नहीं की थी मैंने? पता नहीं, याद नहीं आया, भूल गए। तो रेस्ट्रिक्टिव का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? लिबरल होगा। ये हो गया डी वाला आंसर। ठीक है, हो सकता है बताया रहा हूँ, मुझे याद नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर एक बार एंटोनियम है, और किसका है? नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान ना देना, उपेक्षा करना। तो ये हो गया आपका उपेक्षा करना। तो उपेक्षा करना, ध्यान ना देना। अब इसका अपोजिट मतलब ध्यान देना हो जाएगा। चलिए, तो फेल तो होगा नहीं, ओमिट तो होगा नहीं, केयर करना, ये ध्यान देना होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना। तो यहाँ विश्वास करना थोड़ा बहुत करीब है, लेकिन नेगलेक्ट के एकदम अपोजिट में केयर करना आ रहा है। अब ट्रस्ट नहीं आएगा, अगर केयर ना लिखा होता तो ट्रस्ट हो सकता था। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हुआ? सी। अब आते हैं 13 में। 13 को मैंने थोड़ा तोड़ रखा है, क्योंकि बड़ा था, एक बार में स्क्रीन पर दिखाई ना देता इसलिए। तो इन्होंने एक पार्ट को अंडरलाइन किया है, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया है, वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये इतना अंडरलाइन किया हुआ है, और नीचे 4 ऑप्शन उसका इम्प्रूवमेंट के लिए दे रखा है। तो देखो, अगर यहाँ पर कोई गलती होगी तो उसका इम्प्रूवमेंट करेंगे, नहीं गलती होगी तो कोई बात नहीं, तब नहीं किया जाएगा। चले आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये इतना वाला पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है, देखते हैं इसको। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज, ठीक है ना? लार्ज ग्लासेस में तो बड़े बड़े ग्लासेस जो थे, मैग्नीफाइड हिज आइज, उसकी आँखों को मैग्नीफाई कर रहे थे। सो दैट टू गेव, पहली बात तो टू के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती, वर्ब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये इनकरेक्ट तो हो गया। ठीक है, टू गेव हिम द अपियरेंस ऑफ अ वाइज आउल, ठीक है। तो ये तो किसी का मजाक बना दिया इन्होंने। कोई आदमी है, उसको ने बड़े बड़े चश्मे लगा रखे हैं, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिख रही थी, और उल्लू जैसी दिख रही थी उसकी आंखें। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसका भी मजाक किया होगा इन्होंने। ठीक है, तो सो दैट टू गेव, सो दैट टू गेव। अब देखिए, एक बात तो ये होती है, हमेशा याद रखना, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, चाहे सो दैट हो या फिर इन ऑर्डर दैट हो, थोड़ा रूल है, कंसेप्ट है, समझ लीजिए। एक मिनट लगेगा इसको समझाने में, समझना जरूरी है, इसीलिए डिस्कस किया जाता है। सो दैट या इन ऑर्डर दैट होता है, तो उसके बाद जो सेंटेंस होता है ना, वो क्लॉज में होता है, मतलब सब्जेक्ट लगेगा और वर्ब लगेगी। ठीक है, सो दैट इन ऑर्डर दैट के साथ, इनका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ताकि। और एक वर्ब होता है जिसमें होता है सो एज टू, सो एज टू, या फिर इन ऑर्डर टू। ठीक है, इन ऑर्डर टू, ये भी पर्पज के लिए लगता है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सो एज टू या इन ऑर्डर टू करेंगे तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और सो दैट या इन ऑर्डर दैट करेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब की तरह लिखा जाएगा पर्पज। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें हमें ऑप्शन क्या मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो गया सो दैट, सो दैट लगा, सो दैट के बाद इट गिव्स। ठीक है, तो सो दैट इट गिव्स, अब सो दैट इट गिव्स लिखा, एक है सो एज दो, एज दो में कल्पना कर लेंगे, अब फिर यहाँ टू के साथ गेव लगा हुआ, ये नहीं होगा। सो एज टू गिव, अच्छा सो के बाद दैट लगा है, तो सो दैट इट गिव्स
him the appearance of a wise owl या so as to give him the appearance of wise owl. ये दो बचे आपके सामने, ठीक है ना? तो दो बचे हैं, इन दोनों में क्या करना होगा, ठीक है? चलिए बताइए इन दोनों में आपको क्या करना चाहिए. तो इसमें सबसे सूटेबल है जो मैं एक बताया था कि सो एज टू, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना? क्योंकि ये पर्पज नहीं दे रहा है, सो दैट लगा दूंगा तो ये पर्पज देने लगेगा और इट का प्रयोग गलत हो जाएगा, सबसे बड़ी बात होगी ना. देखिए पहला वाला क्यों नहीं हो रहा है, आप थोड़ी देर अभी कहेंगे कि थोड़ी देर आप पहले आप बोले थे कि सो दैट लगाएंगे तो सेंटेंस फॉर्म में सब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे, लगा तो है, सो दैट के साथ ये सब्जेक्ट लगा, ये वर्ब लग गई. आप कहेंगे कि हम क्यों, मतलब पहले अभी बोले थे तो अभी गलत क्यों कह रहे हैं. देखो वजह ये होगी कि जो आप इट लगा रहे हो इसकी किसके लिए लगा रहे हो, लार्ज ग्लासेस के लिए लगा रहे हो. अब लार्ज ग्लासेस के लिए इट नहीं लगा सकते, अच्छा आइज़ के लिए भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है? अगर आइज़ के लिए लगा रहे हो तो भी तो नहीं लगेगा, आइज़ प्लूरल है, ग्लासेस प्लूरल हैं. जहाँ इट है इस इट की जगह पर अगर दे लगा होता तो मैं मान लेता कि हाँ ठीक है दे है तो ए वाला सही होगा. बात समझ में आ गई ना, क्लियर? आपको कोई डाउट मन में रह जाए मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, ठीक है? डिस्कशन कराने का पर्पज यही था. तो सो दैट इट गिव्स में ये जो इट गिव्स लिखा है यही गड़बड़ था, ठीक है? दे गिव लिखा होता तो ठीक था, तो मतलब ये गलत हो गया. अब ये टू के साथ गेव गलत हो गया और ये सेंटेंस गलत है ही तो ये होगा नहीं. फिर आपके पास बचा क्या, सो एज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बताई थी. चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका. इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें भी ग्रामेटिकल एरर ढूंढिए, ठीक? हालांकि स्लैश नहीं लगा हुआ है, ये ऐसे करके दे दिया इन्होंने. तो इसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढिए. डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ क्लोज फ्रेंड ही डिड नॉट हेल्प मी इन एनी वे. तो अब अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे लग गया है, आपको गलती दिख रही है. डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता, ये वही वाली उसी वाली कैटेगरी के प्रीपोजिशंस हैं जिनकी मैं कभी चर्चा किया था. स्ट्रेस होता है, अच्छा एनडीए के पेपर में आया था, सॉरी एनडीए वालों में पूछा गया था. स्ट्रेस लगा होता है तो स्ट्रेस के बाद, डिस्कस के बाद, डिस्क्राइब के बाद, रीच के बाद, ठीक है, और इंटर के बाद, इन सब के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगते. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, उसी तरह से डिस्पाइट के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता है, हालांकि इंस्पाइट के बाद लगता है. ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ इंस्पाइट लिखा होता तो ऑफ जरूर लगता, इंस्पाइट के बाद ऑफ लगता है लेकिन डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है. तो एरर कहाँ हो गई, ये डिस्पाइट ऑफ बीइंग में आपका आंसर क्या हो गया, बी. 14 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक हो चुका वो क्वेश्चन, बस बात खत्म हो गई. तो 15 में क्या कह रहे हैं, फिर वही बात है कि यहाँ एक पार्ट दिया है अंडरलाइन करके और नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड यहाँ दिया हुआ है. इसका मतलब थोड़ी देर पहले जो हम लोग 13 नंबर वाले क्वेश्चन में किए थे, जो अंडरलाइन किया गया है, अगर इसमें कोई मिस्टेक है, कोई एरर है तो उसको इम्प्रूव करिए. ये जो चार दिए हुए तीन ऑप्शन जो आपके हैं उसमें अगर यहाँ कोई एरर नहीं है तो फिर ये वाला होगा, चौथा वाला. चलिए देखते हैं, आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, मैं ये किताब खरीदना चाहता हूँ, प्लीज़ गिव मी एनी मनी. अच्छा जब रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो एनी नहीं लगता, रिक्वेस्ट के सेंस में एनी नहीं क्या लगता, रिक्वेस्ट के सेंस में सम लगता है. क्लियर हुई बात, सम और एनी ये डिटरमिनर्स होते हैं, सम और एनी के बीच का ये डिफरेंस होता है. तो यहाँ हमें एनी नहीं सम चाहिए, कौन सा ऑप्शन होगा, ये हो गया बी वाला, प्लीज़ गिव मी सम मनी. कुछ और रूल्स हैं इनके बारे में, बड़ी जल्दी में कुछ बता देता हूँ मैं सम और एनी को लेकर के, अभी जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, कभी डिटर्मिनर का डिटर्मिनर के एक वीडियो बना के डाल देंगे. तो सम किस में लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में नहीं लगता है. दूसरी बात, अगर किसी से कोई रिक्वेस्ट की जा रही है या ऑफर किया जा रहा है तो सम लगता है, ठीक है? और एनी क्या लगता है, एनी हमेशा क्वेश्चन में लगता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगता है, निगेटिव सेंटेंस में लगता है, या फिर वो सेंटेंस इफ से शुरू हुआ हो तो एनी लगता है. बात क्लियर हो गई, सम और एनी में ये डिफरेंस था. डिटेल में पढ़ना हो तो इंतज़ार करिए, डिटर्मिनर्स पर जल्दी ही कोई वीडियो डाल देंगे, ठीक है? या फिर ये ऑफलाइन क्लासेस में डिटेल में पढ़ाया जाता है. बच्चा आप ऐसे पेपर डिस्कशन कराते समय तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ा सकते, उसको बता सकते हैं, अब इस समय पढ़ाना मुश्किल होगा ना उसको.
तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं कि वो राइट ऑर्डर में लगाना है सेंटेंस को, राइट ऑर्डर में लगाना है। तो ये लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया सामने, क्या करेंगे अब ऑर्डर वार्डर लेकर के। चलो यहाँ देखते हैं, तो लिखा है अर्लियर दे, दे मिल गया। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके पहले भी कई बार इस तरह के अरेंजमेंट आए हैं, तब भी मैंने बताया है कि भाई दे, देखिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन शुरुआत नहीं कर सकता है, हमेशा कोई नाउन आएगा, या फिर फर्स्ट और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो, आई वी यू हो, तो वो हो सकता है पहले। ही सी इट और दे पहले नहीं हो सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। पहली बात तो मतलब ए स्टार्टिंग नहीं होगा। आगे लिखा है दूसरे में, देखिए दिस सेव्स, दिस दिस दैट दिस दोज, ये भी स्टार्ट नहीं कर सकता, ये फॉलो करता है, क्योंकि ये जो दिस लगा है वो किसी के लिए लिखा है जो इस पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आया है। चलिए नाउ कंप्यूटर्स मेक दिस इजियर, कंप्यूटर्स इस काम को आसान कर दिए हैं। अब ये दिस भी किसके लिए आया है वो बात पहले हो जाएगी, मतलब ना तो ए से, ना तो बी से, और ना ही सी से, इन तीनों में से किसी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। डी में देखते हैं, पक्का हो गया कि डी से ही स्टार्ट होगा। आफ्टर अ क्राइम, एक क्राइम करने के बाद विटनेसेस, विटनेस मतलब क्या होता है, जो गवाह होते हैं, ऑफन गिव द पुलिस अ डिस्क्रिप्शन एंड दस हेल्प टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल, तो डी से ही स्टार्ट होगा, इसमें सारे के सारे नाउन है, कोई प्रोनाउन नहीं आया। सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होगी, डी से। ऑप्शन आपका पक्का हो गया, ठीक है, आंसर लग गया, हमें और कुछ ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा। आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं इसको समझा देता हूँ। तो ये डी हो गया, डी के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखते हैं, स्टार्टिंग मिल गई है, अब आपको देखना है कि डी के बाद क्या लगाना चाहिए। डी हुआ, डी के बाद अब देखिए क्या होगा कि डी के बाद अगर हम ये कहते हैं कि अर्लियर, पहले ये बात होगी किसी क्राइम के बाद जो विटनेस होता है वो देता है, गवाही देता है, पुलिस की मदद करता है। अर्लियर मतलब शुरू शुरू में, अब हो गया ना, पहले क्या होता था शुरुआत के समय में, अब नाउ, अब क्या हुआ करता है, दो टाइम के बारे में बांट दिया ना इन्होंने, पहले ऐसा होता था अब ऐसा होता है। तो पहली जाहिर सी बात है, पहले वाला पहले होगा, बाद वाला नाउ, अब वाला, दो टाइम के बीच में कंपेरिजन है, तो अर्लियर वाला पहले आ जाएगा, नाउ वाला बाद में आ जाएगा। ऐसे भी ये बात तय हो गई कि जो बाद में आपका ए बी सी बचा हुआ है, ए बी सी में से ए पहले होगा और सी बाद में होगा, ये बात पक्का हो गया। अब रही बात बी की, कि बी बी कहाँ आएगा, बी अब ए सी के पहले आएगा या फिर सी के बाद में आएगा, वो बात देख लेते हैं। और ये देख इसके लिए लगा है, विटनेसेस के लिए लगा हुआ है। चलिए अर्लियर दे हैड टू टू लुक थ्रू हंड्रेड्स ऑफ मक्सार्स इन लार्ज बुक्स एंड दे कुड मेक पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन वेल इन 5% ऑफ केसेज, ये पुलिस के लिए लिखा है, ठीक है, पहले ऐसा हुआ करता था। अब उसके बाद यहाँ लिखा कि दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये बहुत ज़्यादा समय बचा देता है, एंड आल्सो लीड्स टू मोर पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन, पहले 5% हुआ करता था, अब ज़्यादा हुआ करता है। तो ये दिस सेव्स, ये बचा लेता है, क्यों बचा लेता है। अब सी में देखो, नाउ कंप्यूटर्स मेक दिस इजियर, अब कंप्यूटर ने इस चीज़ को आसान बना दिया है, फॉर विटनेस बाई प्रोजेक्टिंग ओनली पिक्चर्स मैच द डिस्क्रिप्टिव क्लोजली, अब कंप्यूटर से उनका चेहरा वेहरा बना दिया जाता है। तो अब ये देखो, अब जो बी में लिखा है कि ये उनका समय बचाता है, ये उनका समय बचाता है, कौन, ये कंप्यूटर से चेहरा बना लेना उनका समय बचाता है। जाहिर सी बात हुई कि बी वाला सी के बाद आना चाहिए, तो डी से स्टार्ट हुआ था, बीच में हमारा ए सी लगा था, और बी जो है बी हमेशा सी के बाद लगा है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो मैंने देखिए वही आया ना डी वाला जो मैं पहले बोला था। चलिए तो उतना टाइम बच जाता, बस यही बात होती है। अगर आपको स्टार्टर मिल गया और ऑप्शन देखिए, अगर केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है स्टार्टर का, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बेहिचक आप आंसर लगाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिस स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है आपको, तो वीसीएस, वीसीएस तो सही लिखा हुआ है, किससे बना है, वाइस से बना हुआ है वीसीएस। चलिए ट्रेचरस, ट्रेचरस गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली देखिए टीच की स्पेलिंग क्या होती है, टीच की स्पेलिंग होती है टी ई एस सी एच, और नाउन बनाओगे तो टीचर हो जाएगा। ठीक इसी में आर, टी में आर लगा करके एक वर्ड लिखिए ट्रेच, टी आर ई एस सी एच, ट्रेच का मतलब क्या होता है, धोखा देना, तो ट्रेच में ई आर लगा दो ट्रेचर हो जाएगा, ओ यू एस लगा दो ट्रेचरस हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो ट्रेचरस हमारी, ट्रेचरस की स्पेलिंग गलत निकली, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन हो गया इसका बी, लस्ट्रस की स्पेलिंग सही है, पॉम्पस की स्पेलिंग सही है, ठीक है। चलिए तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18।
अब क्वेश्चन नंबर 18 में एक सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि वाईफाई, ये लिखा वाईफाई हॉटस्पॉट, आगे लिखा है विल बी इंस्टॉल्ड, ये आपका वर्ब हो गया, बाय गवर्नमेंट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ये एजेंट है। जब एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो विल बी इंस्टॉल्ड यहाँ हो रहेगा, और बाय द गवर्नमेंट में से बाय काट के द गवर्नमेंट जो लिखा है ये कहाँ चला आएगा, इधर चला आएगा। और वाईफाई हॉटस्पॉट जो है सब्जेक्ट बना है वो क्या था, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब क्या हुआ कि बाई काट के द गवर्नमेंट यहाँ आना है, द गवर्नमेंट और विल बी में से बी हट जाएगा और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो ये हो गया द गवर्नमेंट, यहाँ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या हो गया वाईफाई हॉटस्पॉट, ये होना चाहिए, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा एक्टिव वॉइस में इसका। चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं इसमें क्या क्या होगा। तो देखिए द गवर्नमेंट से सेंटेंस शुरू होना चाहिए था, ठीक, तो ये रिमोट एरियाज और ये वाला दोनों तो कट गया, ठीक है। अब दूसरे में आ जाओ, विल इंस्टॉल, विल इंस्टॉल दिया है दोनों में, ठीक है। तो क्या इंस्टॉल किया जाएगा, वाईफाई इंस्टॉल किया जाएगा कि रिमोट एरिया इंस्टॉल किया जाएगा, ये हो गया ना गलत। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, बी होगा, ठीक है। थोड़ी समझदारी बस, क्वेश्चन एकदम सटीक होंगे। अगला क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ एडियोमेटिक एक्सप्रेशन, एक एडियम है उसका इस मीनिंग बतानी है आपको। पोक वंस नोज इनटू, पोक नोज इनटू का मतलब होता है दूसरे के मामले में टांग अड़ाना। हिंदी में एक मुहावरा है, दूसरे के फटे में टांग अड़ाना बड़ी गंदी आदत होती है कुछ लोगों को, लेकिन बहुत मज़ा आता है। तो दूसरों के फटे में टांग अड़ाना मतलब क्या हुआ, अननेसेसरी दूसरे के मामले में इंटरफेयर करना। ऑप्शन देखिए, टू बरी वन सेल्फ एंड, ये बिल्कुल नहीं होगा। इंसल्ट समथिंग इन द स्नोज, ये भी नहीं होगा। टेक इंटरेस्ट इन अदर अफेयर, दूसरे के मामले में ज़्यादा रुचि लेना, यही आपका आंसर होगा। टू क्लीन वंस नोज, नोज वो उसका कोई मतलब नहीं भैया, मैं नाक वाक तो फिलहाल नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ नोज लिखा है, ये नोज लिखा है, नोज वाले मुहावरे में नोज नहीं आनी है, ठीक है। आंसर हुआ सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। देखें 20 में क्या है, वही पुराना है भाई, पी क्यू आर एस, अरे दिख गया। तो मतलब क्या हुआ, वो स्टेटमेंट छोड़ो, यहाँ सीधे आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए लिखा है द अदर वाज, द अदर यहाँ मिला द अदर, तो मतलब कहानी एक कहानी हो गई। द अदर लगने का मतलब हुआ कि ये दूसरे नंबर पर आएगा, ए जो है किसके, वन के बाद, वन मैन यहाँ लिखा हुआ है, मतलब बी हो, बी कहाँ आएगा, ए के पहले आएगा, ये वन मैन हो गया और ये द अदर हो गया। तो हर हाल में बी के बाद ए होगा, बी के बाद किस में ऑप्शन है, इसमें बी के बाद ए है नहीं है, इसमें बी के बाद ए है, इसमें बी के बाद ए है नहीं है, ए पहले है ये भी नहीं होगा, इसमें बी के बाद ए है, बस दो ताल, दो बच्चे हमारे पास, ठीक है। आगे लिखा है द टू मैन, यहाँ देखो, यहाँ देखो लिखा है क्या, द टू मैन, द टू मैन का मतलब क्या हुआ, टू मैन में वही तो आया बी और ए वाले, तो द टू मैन में डी पहले आएगा, नहीं आएगा, देखिए डी पहले आया ना, द टू मैन पहले लिखा, तो डी होगा, तो बी ए के पहले डी होगा, तो बी ए के पहले डी होगा, और इसमें देखिए बाद में लिखा हुआ तो ये होगा नहीं और ये होगा, बी ए के मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, अरेंजमेंट को मैंने पढ़ा ही नहीं और सेट हो गया। आपकी मर्जी हो, पढ़ के देख लीजिएगा, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब किसी को लगे कि हमने गलत बताया है तो चैलेंज करना मुझे, सीधे सीधे क्लू लगा है, बिना पढ़े हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक का है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक का। इसमें क्या है, क्लोज टेस्ट है। अब क्लोज टेस्ट में क्या करना है, पता नहीं कैसे भाग गया था ये, चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक बार आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फिलर है ना, पैसेज होता तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते, फिलर है तो पहले पैसेज पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, लिखा है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट पीपुल कैन प्रोसेस वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड ओरली, मतलब अगर किसी को ओरली कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, किसी भाषण के जरिए अगर किसी को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो हम कितना प्रोसेस कर पाते हैं, वेरी लिटिल, मेन बात यह हो गई, यहाँ समझिएगा। भाषण के जरिए ओरली अगर किसी को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो कोई आदमी बहुत लिटिल प्रोसेस कर पाता है। तो सो इट इज़ डैश, तो इसलिए ज़रूरी है, उपाय बता रहे होंगे ना, सो इट इज़ डैश, इसलिए ज़रूरी है, और ख़ास तौर से पार्टिकुलरली फॉर अ टीचर, टीचर भी तो बोल के लेक्चर देता है जैसे हम लोग हैं, तो ख़ास तौर से टीचर के लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है कि हम इस बात को महसूस करें, टू रियलाइज, हम इस बात को महसूस करें कि द स्टूडेंट्स हैव समटाइम्स लिसेंड टू थ्री आर फोर टीचर्स, तो स्टूडेंट तीन चार टीचर को तो सुनता ही सुनता है, तो किसकी किसकी याद रखेगा, डैश
यू, ठीक है, आपके पहले तीन चार टीचर को सुन चुका होगा। तो सो द टीचर मस्ट हैव प्रॉप, तो टीचर को कुछ और सहारा लेना चाहिए, कुछ प्रॉप लेना चाहिए, जैसे नोट्स हो गए, हैंड नोट्स हो गए, स्लाइड्स हो गई, तो इस सब चीज़ों से दैट विल मेक द लर्निंग मटेरियल डैश लाइव, ठीक है ना, तो जिससे लर्निंग मटेरियल थोड़ा लाइव टाइप का थोड़ा अच्छा लगने लगे फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्टे दैट वे विद देम। इस तरह से हमें उनको पढ़ाना चाहिए। विजुअल एड हो गया, जैसे कुछ वीडियो क्लिप हो जाती है या कोई चित्र वगैरह, पोस्टर वगैरह, ग्लोब वगैरह दिखा देना, ये सब चीज़ें थोड़ी हेल्प होती है। अ लिटिल मूवमेंट अ कलर, थोड़ा मूवमेंट, थोड़ा हिल डुल के दिखाइए, गेस्चर पोस्टर में थोड़ा कुछ कलर वगैरह यूज कर लीजिए, विल गेट द स्टूडेंट्स अटेंशन, ठीक है। अब लिखा है जैसे अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, टू डैश, यहाँ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, टू डैश इज दैट, वो क्या है कि लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेज स्पोकन फास्ट, लंबे लंबे और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस अगर बहुत तेजी के साथ बोले गए हैं तो सिंपली टू डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड, ये बच्चों को समझने में बड़ी मुश्किल होती है, तो इजी सेंटेंस, छोटे सेंटेंस, बहुत ज़्यादा कंजंक्शन लगा के शशि थरूर की तरह सेंटेंस ना बोलिए। इट इज़ देयर फॉर, सुझाव दिया जा रहा है कि डैश टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेज दैट मेक सेंस टू देम स्टैंडली, ताकि ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बोलिए, इजी बोलिए, ताकि वो तुरंत उसी समय उसको समझ सके, ठीक है। तो चलिए भरना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर वन में क्या था, मैंने कहा था ना कि ज़रूरी है, तो ज़रूरी के लिए आप 21 में क्या लगाएंगे, ज़रूरी के लिए अर्जेंट लगाएंगे या इम्पोर्टेंट लगाएंगे या अननेसेसरी लगाएंगे, या अब ये इमटेरियल और अननेसेसरी तो निगेटिव में जा रहे हैं, ये होगा नहीं, हमें ज़रूरी के लिए लगाना है, तो ये अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है, तो अर्जेंट तो नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, इसलिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 22। तो मैंने पैसेज को सबके साथ रखा है, चिंता मत करो, पीछे पलटना नहीं पड़ेगा। 22 में क्या होगा, तो हमसे पहले वो बच्चा दो तीन टीचरों का भाषण सुन चुका होता है, तो हमसे पहले सुन चुका होता है ना, कि हमारे बिसाइड, हमारे आफ्टर या हमारे बिहाइंड में हमसे पहले पढ़ चुका होगा और तीन चार लोगों का लेक्चर, तो क्या लगेगा, बिफोर लगेगा। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब 23 में क्या होगा, ये है आपका, तो 23 में क्या करना होगा कि मटेरियल, लर्निंग मटेरियल डैश अलाइव, अगर आप थोड़ा सा हैंड नोट वगैरह या स्लाइड वगैरह दिखा देते हैं तो इससे लर्निंग मटेरियल क्या हो जाता है, कम लाइव, कम लाइव का मतलब क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, अच्छा लगने लगता है ना, कम लाइव का मतलब जीवंत हो जाता है, तो एक ऑप्शन लगाएंगे कम लाइव, ये स्टे स्टे नहीं लगेगा, गो वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। कम लाइव का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है और लाइव लगने लगता है, बढ़िया हो जाता है वो। 24 में क्या लगाएंगे, अब 24 में इन्होंने कहा, यहाँ से देखिए कि अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू डैश इज, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे समझने और जानने के लिए, तो क्या चीज़, दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जानने के लिए, वो है हमारे रियलाइज, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज दैट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रियलाइज लगाएंगे। डिसाइड, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू डिसाइड होगा कि गैस होगा कि डिटर्मिन होगा, तो हमें महसूस करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, इसलिए 24 होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 रहा, और ये क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहे हैं, क्या लगाना है हमको 25 में, तो 25 में है, देखिए सर, इट इज़ देयर फॉर डैश टू यूज शॉर्ट सेंटेंस, इसलिए ज़रूरी है, इसलिए देयर फॉर क्या है, ज़रूरी है कि क्रिटिकल है कि एडवाइजेबल है कि मैंडेटरी है, देखिए इट इज़ क्रिटिकल ये तो लगा नहीं सकते हो, इट इज़ मैंडेटरी अनिवार्य या ज़रूरी तो ये भी नहीं कर सकते हो, क्या लगाना हमारे लिए ज़्यादा ठीक होगा, तो ठीक तो ये होगा मैंडेटरी या फिर क्रिटिकल, दोनों मैंडेटरी या एडवाइजेबल, इट इज़ कंपल्सरी टू, कंपल्सरी नहीं किया जा सकता इसको, तो फिर एडवाइजेबल, इट इज़ एडवाइजेबल, ज़्यादा से अच्छा ऑप्शन कौन है, डी होगा। देखिए इसमें जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ की जो टोन है वो कोई कंपल्सरी वाला नहीं है, ये क्या है, सजेशन है ना, सजेशन है एक तरह का, ये तो सजेस्टिव टोन है ना, जो राइटर की टोन है वो सजेस्टिव है, एक सलाह ही तो दिया है कि कैसे आप ज़्यादा इम्प्रेसिव लेक्चर दे सकते हैं, तो मैंडेटरी तो ज़रूरी वाला हो जाता, तो ज़रूरी, राइटर की टोन ज़रूरी वाली नहीं है, राइटर की टोन सलाह देने वाली है, इसलिए एडवाइजेबल,
ज़्यादा सुटेबल होगा, इसका आंसर डी ही करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोगों ने CHSL के 20-25 क्वेश्चंस कर लिए। ये था हमारा सेट नंबर 6। फिर मिलेंगे सेट नंबर 7 के साथ अगली बार। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।